नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आपको भी इंस्टाग्राम में रील का ऑप्शन नहीं आ रहा है? यहाँ पे दोस्तों केवल प्लस का अगर आइकन आ रहा है ना, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे दोस्तों आपको रील का ऑप्शन कैसे मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे 100% मैं लाइव प्रूफ आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे आईडी में यहाँ पे दोस्तों केवल प्लस का आइकन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे रील का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो दोस्तों इस आईडी में मैं अपने रील का ऑप्शन अभी इनेबल करके दिखाऊंगा और पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप भी यहां पे अपने इंस्टाग्राम में रील का ऑप्शन कैसे ला पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको यहाँ पे बैक आना होगा और बैक आने के बाद दोस्तों सिंपली जो प्ले स्टोर ऐप है ना, इसको ओपन कर लेना होगा। दोस्तों बता दूं इस वीडियो को कहीं भी बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं जो यहाँ पे टिप्स और ट्रिक बता रहा हूँ सिंपली आपको वही फॉलो करना होगा। और जैसे फॉलो करेंगे ना दोस्तों 100% आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम में रील का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम सर्च करना होगा। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो इंस्टाग्राम ऐप है ना आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना होगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ गया होगा। सिंपली आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे अपडेट कर लेना होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल फोन में अपडेट का ऑप्शन नहीं आया तो बैक आ जाना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर अपडेट आया ना तो सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना होगा, ठीक है। अब दोस्तों अपडेट करने के बाद आपको बैक आ जाना होगा और बैक आने के बाद दोस्तों सिंपली आपका जो इंस्टाग्राम ऐप है इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। अब लॉन्ग प्रेस करने के बाद दोस्तों ऐप इन्फो का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों बता दूंगा यहाँ पे आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होगा, आपके सेटिंग में जाना होगा। और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंस्टॉल ऐप का या फिर ऐप मैनेजर का, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करके फिर ऐप लिस्ट पे क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने आपके मोबाइल फोन में ऐप्स होंगी आ जाएंगी। सिंपली यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिलता है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करके सर्च करना होगा इंस्टाग्राम। अब जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च करेंगे ना तो दोस्तों वही वाला इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाता है फोर्स स्टाफ का, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ओके कर देना होगा। अब ओके करने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे क्लियर डाटा का या फिर स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लियर डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्लियर कैच कर देना है, फिर ओके कर देना है। जी हाँ दोस्तों आपको क्लियर कैच करना है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐप परमिशन का, तो दोस्तों यहाँ पे ऐप परमिशन के में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जितना भी परमिशन होगा ना सभी को अलाउ कर दीजिएगा। दोस्तों आप जैसे अलाउ कर देंगे उसके बाद आपको बैक आना है और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेज का, तो इस पे आपको क्लिक करना है। वाईफाई मोबाइल डेटा ऑन होगा तो इन दोनों को ऑफ कर देना है, फिर ओके करना है। फिर से आपको अगेन रिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेज पे क्लिक करना है, वाईफाई मोबाइल डेटा को ऑन करके ओके कर देना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको पूरा क्लियर कट कर देना है। अब दोस्तों सिंपली आपको जो इंस्टाग्राम ऐप है इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आप जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए आप लाइव प्रूफ, यहाँ पे दोस्तों मेरे को रील का ऑप्शन मिल गया है। दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं कि जो इंस्टाग्राम रील का ऑप्शन है मिल चुका है। दोस्तों आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, चलिए मैं अपने साउंड को यहाँ पे कम कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे रील पे आपको क्लिक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो रील्स है आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको भी रील का ऑप्शन मिल चुका होगा, लेकिन दोस्तों अभी आपको रील का ऑप्शन नहीं मिला तो अब आपको क्या करना होगा चलिए मैं बताता हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया है तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम रील का ऑप्शन मिल के रहेगा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, ठीक है। अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है माय प्रोफाइल का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऊपर थ्री लाइनिंग दिखाई देता है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, सबसे ऊपर या फिर नीचे, तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा अकाउंट का, यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे। सिंपली आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। अब इस पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लू कलर में, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। जो जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करते रहना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप कोई भी कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, फिलहाल मैं आर्टिस्ट चूज कर लेता हूँ, फिर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस पे आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए मैं वेट कर लेता हूँ, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है तो अभी आपको बैक नहीं आना, थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग ले लेने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ।
अब दोस्तों सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है बिजनेस और क्रिएटर का। तो दोस्तों सिंपली आपको बिजनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा फिर से यहाँ पे लोडिंग लेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्किप का ऑप्शन मिलेगा, इसको स्किप कर दीजिएगा। ऊपर कट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे कट कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगेन आपको थ्री लाइनिंग पे क्लिक करना है। थ्री लाइनिंग पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्विच अकाउंट टाइप, तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों स्विच टू क्रिएटर अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है, फिर स्विच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा, उसके बाद आपको बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको पूरा क्लियर कट कर देना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्लियर कट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली जो इंस्टाग्राम ऐप है ना, इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप जैसे ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे दोस्तों आपको इंस्टाग्राम रील का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर अभी आपको इंस्टाग्राम रील का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो सिंपली आपको फिर से माय प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, थ्री लाइनिंग पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है, फिर स्विच अकाउंट टाइप पे क्लिक करना है, फिर स्विच टू पर्सनल अकाउंट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है, फिर स्विच टू पर्सनल अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो यहाँ पे रील का ऑप्शन है मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जितना मैंने तरीका बताया, अगर इतना तरीका यूज करने के बावजूद भी अगर आपको इंस्टाग्राम रील का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना होगा, आपके अपने जो ये होम स्क्रीन है ना, इसको ओपन करके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना होगा, चलिए मैं बताता हूं। तो सिंपली आपको माय प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, थ्री लाइनिंग पे जाना होगा, थ्री लाइनिंग पे जाने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना होगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा हेल्प का, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, तो इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, इस पे आपको क्लिक करना होगा। अब इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है गैलरी का, इस पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना होगा, यानी कि क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका स्क्रीन शॉट है यहाँ पे लगा देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना होगा, चलिए मैं बताता हूँ। अब दोस्तों सिंपली आपको लिखना होगा, हाय इंस्टाग्राम टीम, आई एम योर रेगुलर यूजर, प्लीज इनेबल रील ऑप्शन, थैंक यू। दोस्तों सिंपली आपको ये लिखना होगा, यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, चलिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सिंपली आपको ये लिखना होगा, हाय इंस्टाग्राम टीम, आई एम योर रेगुलर यूजर, प्लीज इनेबल रील ऑप्शन, थैंक यू। उसके बाद दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टर्न अनसेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों एक से दो दिन यहाँ पे आपको वेट कर लेना होगा। एक से दो दिन बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम रील का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।